आंखों में नमी थी, आंखों में नमी थी, विटामिन की कमी थी। रात भर जिससे बात किया पता चला सुबह तक ये उसकी मम्मी थी। जवानों को नहीं दिखता वो बूढ़े देख लेते हैं, उम्र की ढाल पर रुककर ये थोड़ा ब्रेक लेते हैं। बहुत होशियार होते हैं कि मौका देखते ही पड़ोसे की तवे पे अपनी रोटी सेंक लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो है ये या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। क्या चाहते हो बेच दूँ ईमान में अपना, ये दिल है मेरा दिल्ली का दरबार नहीं है। ये दिल है तेरे पायल की झलकार, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे, 20,000 उधार दे नहीं तो गोली मार दे, किसी बैंक से लोन निकाल के BMW कार दे है माँ बाबू, प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे रे। आप समझिए मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, अनुराधा पौडवाल, आशा भोसले, लता मंगेशकर एक साथ कूंच कांच के मुंह से बाहर आपके सामने आ गए और बहुत बढ़िया। आंखियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, ये लो बिजली का बिल आ गया। पहले इसको चुकाओ तब मोहब्बत में झंडा झुकाओ। एक गाना आया था साजन मेरा उस पार है। मैंने कहा मैं जानता हूँ क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। एक गाना आया था जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी, लड़की है छत पे खड़ी, भले है 10 साल बड़ी। एक गाना आया था अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, हम कहे आओ मोटरसाइकिल बैठो थाना छोड़ देंगे। एक गाना आया था पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब तुम्हें शादी शुदा जाना। एक गाना आया था चलते चलते यूं ही गिर जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है। लड़की ने कहा जब चलते चलते गिर जाते हो, बेहोश हो जाते हो, ये प्यार नहीं है, कमजोरी का लक्षण है। एक गाना आया था, इस गाने को अगर हम गाते तो ये गाना और हिट होता, लेकिन ये गाना हमसे गवाया नहीं, मेरे उनका मेरा नंबर नहीं था उनके पास। चाय आ गई क्या? चलिए ठीक है, आप लोग चाय पीते रहिए थोड़ी देर, आपका नंबर है, जल्दी चाय पी लीजिए। अब आपको हंसाने के लिए विक्टर सुल्तानपुरी हाथ के दमदार मजाहिया के शानदार शायर और कवि को आवाज देने जा रहा हूँ। इतने में ये चाय पी लेंगे, घबरा के न पिए, नहीं तो आपको छुछुनी आ जाएगी, तो फिर आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। आपको प्रधानमंत्री बनना है आगे, इसका ख्याल करिए। इनको जो नहीं सुनता, अच्छा अच्छा मेरी वाली वहां रख दीजिए, हम आज नहीं तो कल तो पी ही लेंगे। अब अगर ये नहीं पियेंगे तो माननीय जी से पी लेंगे। और बढ़िया बच्चा है अम्मानी जो, तो भाई इतना लंबा लंबा बढ़ा रहे हैं। हमने कहा इतना लंबा क्यों बढ़ा रहे हैं, बोले भी 56 इंच जाए। हम कहे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है भाई, आपने बहुत प्यार से सुना है, बड़ी मोहब्बतों से सुना। अब विक्टर सुल्तानपुरी को सुनने के लिए तो ये लोग, ये तो विक्टर तो कहता है जो भी मन से मुझे सुनेगा कलियों सा खिल जाएगा, कष्ट मिटेगा जीवन भर का वो पूरा सुख पाएगा, जो इनको आज रात नहीं सुने जीवन भर पछताएगा, चार चुवेले दर्शन देगी खटिया भूत हिलाएगा। जो विक्टर नहीं सुनेगा ये सब मामला रहता है, आपके सपनों में मोटे, आपके आंखों में मोटे मोटे सपने आने लगे और फिर दिक्कतें आने लगी। तब अंबर भाई कहते हैं जो है फटे पुराने, एक दिन विक्टर भाई कहने लगे, अभी शादी तो नहीं किया है लेकिन जिससे शादी करना था उससे कह रहा था कि फटे पुराने कपड़े अपने फेंकते रहना। उसने कहा ये कहन कि हम तुमसे शादी करब, ये सब काम करोगे कि नहीं, कि कुल हम ही करे के रहे। तो वो कहती है फटे पुराने कपड़े अपने फेंकते रहना, फिर अपने हाथों अपनी रोटी सेंकते रहना, तन्हाई में खटिया पैट के रेंकते रहना, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते।
से इसको बुला रहा हूँ। एक शेर के देखिए, ये लड़की देखने जब जा रहा था अपनी शादी के लिए, ये विक्टर सुल्तान। मैंने कहा विक्टर भाई कहाँ जा रहे हैं? बोला लड़की देखने। हम कहे अच्छा, ये तीन बातें जिस लड़की में मिले देखो उससे ना शादी कर लेना, नहीं तो फंस जाओगे। ये बातें तमाम कवारों पर लागू होती हैं। और ये कैसे हमने कहा संचालन में, कैसे कहा निजामत फरमाए, और उसी से आपको तालियों से गड़गड़ाहट से विक्टर सुल्तान पर उसको हंसते हंसाते चेहरों के साथ बुलाना है। और कैसे कहा ये तीन बातें जिस लड़की में हो उससे शादी नहीं करना है। आजाद हो फिरती वो अकेली तो नहीं है, अपने मन की तो नहीं है। आजाद हो फिरती वो अकेली तो नहीं है, सहेली तो नहीं है। शादी जरूर करना पर इतना पूछ कर, वो आसाराम बापू की चेली तो नहीं है। गुटुरगू 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 गुटुरगू। जोरदार तालियां विक्टर सुल्तानपुरी। अरे अरे ठीक ठीक। हाँ हाँ, देखिए ये जो सीनियर हैं, ये जब कोई चीज माला वगैरह डालते हैं बड़ा डर लगता है, पता नहीं कब उतार ले डाल डूब के। ये यहाँ 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 ईंचा बहुत मजबूत है, यहाँ मंच का ईंचा बहुत मजबूत है, मतलब मंच बहुत मजबूत है, हमारा कहने का मतलब। भाई अजय अजय प्रधान आ कहाँ रख ले? अरे आ तो या, आपकी बातों का जवाब मेरे पास नहीं है। आपकी बातों का जवाब, मेरा चेहरा गुलाब हो जाए जैसे पूजा भारती की तरह हो जाए, कहूँ कहूँ लाल लाल कहूँ कहूँ पियर, कहूँ कहूँ लाल लाल कहूँ कहूँ पियर। अब बनारस में आई लड़कियाँ बोला मैं आओ डियर। अब बैठ के अखियाँ से पीरी पी सुगा शुरू पी सुगा बियर। अब आप लोगों का बहुत प्यार, ये शेर आप सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है पढ़ने की जरूरत है। अगर लिख के कोई पढ़ा तो बेकार है, लिखने की जरूरत नहीं हमको पड़ती है, हम लिखते भी नहीं, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कहते हैं सर्दी है जुकाम है खांसी है, कुछ लेते क्यों नहीं? हमने कहा इतनी गर्ज पड़ी है तो पहले खरीद के देते क्यों नहीं? तो आप ऐसा प्रचार करोगे कि अब रुपया नहीं हम तब भी ले लेंगे। वाह भाई, तुरंत नहीं कोई ऐसा गुलू पांडी जैसा। हम कहे आम आदमी कहाँ पाई इतना पैसा, चीनी घोर के पी ले ग्लूकोज का करब ग्लू पांडी। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, ऐसे गाता है। अभी का मतलब कि लाइए पैसा नाम तबाओ मैं और मेरा लक्ष। हम कहे कार श्री देविया बंद करके चली गए अपन बक्स, आईने में दिखाई नहीं देता तेरा अक्स, मैं और मेरा लक्ष। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू करोना, मैं नागिन तू करोना, जन्म जन्म का तेरा मेरा बैर, मेरे भारत में ते कैसे रखे अपन पैर, ए करोना खैर। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू करोना। ये तो स्थिति हो गई, लेकिन कहते हैं तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। महाभारत महाभारत इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य निर्मा सुपर सोपी मामी नेचुरल क्रीम ब्यूटी पार्लर फेयर एंड लवली वॉशिंग पाउडर निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ इसकी झाग ने जादू कर दिया। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय, कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ। आप
आपने बहुत बढ़िया सुना, न ये शायरी थी, न ये कविता थी, न कहानी थी, सिर्फ मेरे मुंह से निकली अल्फाजों की मिटी हुई निशानी थी। आपको सुना दिया, मजा के लिए है, मजा बहुत देर तक नहीं रहता है। मेरा पढ़ा हुआ न कहीं मिलेगा, न कहीं लिखा जाएगा, न कोई उदाहरण देगा, मेरे साथ ऊपर चला जाएगा। इसलिए जब तक जी रहा हूँ तब तक सुन लीजिए, मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं, जिसके भी दिल में रेत का सहरा नहीं, जिसके भी दिल में प्यार का मंजर नहीं रहा, जिसके भी दिल में प्यार का मंजर नहीं रहा, वो रेत का सहरा है समंदर नहीं रहा। उस दिल तुम्हारी आँख के आंसू न रुकेंगे, जिस दिल सुनोगे शहर अंबर नहीं रहा। ये शेर बन गया आपके हवाले से। अब मैं चाह रहा हूं कि जो है इमरान बनारसी को सुनना चाहते हैं, लेकिन इशरत गाजीपुरी भी बैठे हुए हैं, जो फैसला कर दें तो हम उनको सुना दें। आपको बुला रहे मेरे बड़े भाई इशरत को बुलाए, मेरे बड़े भाई मरहूम रियाज बनारसी, नहीं रियाज बनारसी के बेटे भाई इमरान बनारसी, बोलने में गलती हो जाती है, बताओ चाह दीजिएगा। सही है भाई, सही भाई, हिंदी का आदमी हो, अगर बिंदी लगाया नहीं तो माफ कर दीजिएगा। भाई आप लोगों में बिंदी का मामला है, नुक्ते की हेर फेर से खुदा जुदा हुआ, तो अगर ऐसे हो गया तो भाई थोड़ा सा देखिए, हम यहाँ मुशायरे क्या होते हैं, मुशायरे अदब सिखाते हैं, मुशायरे पढ़ना बोलना लिखना चलना उठना बैठना, यानी कि मुशायरे तहजीब है। तो तहजीब सीखने के लिए अगर अंबर भाई छोटा बन के आते हैं, मुझे बड़ा बनने की कभी आदत नहीं पड़ी, इसीलिए मैं इन किरदारों में आपको मिलता हूँ। आपको सरसों के खेत में, गेहूं के खेत में, मेड़ पर, सड़क पर, चाय की दुकान, पान की दुकान, बिल्कुल नॉर्मली इसी तरह मिलता हूँ। मैं इतना बड़ा कवि नहीं, मैं पीए रखूँ, चाठी लड़की रखूँ, फिर इसके बाद साजिंदे रखूँ, फिर 14 लाख रुपए मांग के आपका घर हड़प डालू, ऐसा मेरा नहीं है। मैं न दिल्ली में रहता हूँ, न मैं बम्बई में रहता हूँ, मैं रहता हूँ अपने गांव में, अपने माँ बाप के पांव में, आपके बीच में रहता हूँ। इसलिए आपका बहुत दुलार और बड़ा प्यार, बहुत मोहब्बत जो है। अंबर भाई कहते हैं, जिसको दुनिया गाए मैं वो तान कहाँ से लाऊं, बिन जाने सब जाने वो पहचान कहाँ से लाऊं, पहले वाले खेत बैल खलिहान कहाँ से लाऊं, इन उदास चेहरों पे मैं मुस्कान कहाँ से लाऊं। अच्छा भाई, अब घर के बाहर दादा दादी बैठे रहते थे, खटिया के धागे आपस में ऐठे रहते थे, जो उस खटिया पर बैठे वो मेहमान कहाँ से लाऊं, इन उदास चेहरों पर मैं मुस्कान कहाँ से लाऊं। ईद मुहर्रम में हामिद थे हमको गले लगाते, ईद मुहर्रम में साहिल थे हमको गले लगाते, ईद मुहर्रम में वासिफ थे हमको गले लगाते, और होली के आते ही हामिद भी उसमें रंग जाते, पहले वाला अब वो हिंदुस्तान कहाँ से लाऊं, इन मुरझाए चेहरों पर मुस्कान कहाँ से लाऊं, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत अच्छा। जिसको दुनिया गाए मैं वो तान कहाँ से लाऊं, बिन जाने सब जाने वो पह
पहचान कहाँ से लाऊं, पहले वाले खेत बैल खलिहान कहाँ से लाऊं, अरे इन मुर्दों में बोलो आखिर जान कहाँ से लाऊं। इन कौमों को जगाना है, जगाना है। जिंदा कौमें काम आती हैं, सही है। अगर जिंदा कौमें काम आएगी इस देश के लिए, अपने कौम को जिंदा रखना है। कौम क्या है? ये अपना इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है जी। वतन से बड़ा कोई भी मंदिर मस्जिद शिवाला नहीं, खुदा हर जगह मिलता है। मस्जिदें सिर्फ होती हैं आपकी तहजीब के लिए कि आप कहीं सर झुकाना तो नहीं भूल गए, इसलिए मंदिर मस्जिद बने होते हैं आपको याद दिलाने के लिए कि खुदा हर जगह है। जरा देखना, सर झुकाना और सजदे में आना कभी भूल न जाना, और इंसानियत को गले लगाना आपका फर्ज है, आपका ईमान है। अगर ईमान सलामत है तभी जान लीजिए आपकी अमानत, आपकी जमानत कयामत के दिन, तब आपको कोई नहीं टोकेगा और आपको सीधा जन्नत का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। और आपको ढेर सारी दुआएं देता हूँ, करधला की सर जमी जहाँ महसूस करूंगा हमेशा आपकी कमी, आपकी आंखों की अब पोछने के लिए नमी। अब आ रहे हैं हमारे इमरान हाशमी, समझ ही ना पहुंचा यार, बनारसी में का धरा बाला। जोरदार तालियां इमरान बनारसी, जियत रहा राजा। पूरे मंच को कि प्यार होता है जहां जंग नहीं होता है, प्यार होता है जहां जंग नहीं होता है, हादसा भी किसी के संग नहीं होता है। आइए प्यार के रंगों में रंग दे सबको, प्यार से गाढ़ा कोई रंग नहीं होता है। बहुत अच्छा, दाइक से निवेदन है, इल्तजा है। अमजद रजा फिरोजाबादी साहब ने हमें अपने मोहब्बतों से नवाजा। अमजद साहब को वैसे देखने में तो लगा कि अमजद खान आ गए हैं, अब थोड़ी देर में कहेंगे तेरा क्या होगा अरे बिहारिया, लेकिन बाद में पूछेंगे कितने लोग थे। तब कल हम सवेरे आपकी भाभी को बताएंगे, वहां तो हजारों लोग थे, लेकिन कहते हैं कि जो है ये या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। क्या चाहते हो? बेच दूं ईमान में अपना, ये दिल है मेरा दिल्ली का दरबार नहीं है, ये दिल है मेरा दिल्ली का दरबार नहीं है। अरे अरे उस्ताद का नाम है, ये बाबा रामदेव का सूट सलवार नहीं है, जमाल बनारसी। ये देखिए हमारे बीच में जमाल बनारसी आ गए। अरे यही साहब था आपका, अकरम उस्ताद शायर अकरम मुगल सरावी हमारे बीच में है। और ये जमाल भाई को हम बड़ी देर तक इनका नाम रखते हुए लोग बड़ा खुश हुए कि जब जमाल भाई मिलेंगे, लेकिन अच्छा अच्छा दुआ। अरे भैया भैया अहकम गाजीपुरी वेलकम आपका पूरा, भगवान करे आपका इनकम बढ़ता जाए, अल्लाह की तमाम दुआएं भाई। अरे जमाल भाई कैसे इसमें आ गया, ये फंस गया भाई। अरे ये तो ऐसे हुआ कि हम तुम चोरी से बधे एक डोरी से, जाइबा कहा है जमाल, दोनों मिल जाएंगे तो कर देंगे कोई कमाल, कि हम तुम चोरी से बधे एक डोरी से, जाइबा कहा है जमाल। भाई बहुत अच्छा, शुक्रिया भाई। जमाल भाई आप इसी तरह कमाल करते रहिए। हाँ, और जमाल भाई से इसीलिए लड़कियां बहुत डरती हैं, इनसे मोहब्बत कभी किसी लड़की ने नहीं किया, क्योंकि कोई लड़की मोहब्बत करने नहीं है। मान लीजिए जमाल घोटा बन गए उसके लिए, तब क्या होगा? इसलिए देखिए बड़ी मोहब्बतें
वासिफ भाई, 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 भाई मुझे मुझे ये अंदाजा लग रहा था इलाहाबाद में कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और मेहनत रंग ला दी है। यहाँ इतनी नौजवान जो यहाँ इकट्ठा है, अच्छा नहीं नहीं कुछ बुजुर्गों के भी मोहब्बतों और उनकी दुआओं के हम लोग तलबगार हैं। यहाँ यहाँ तो कोई बुजुर्ग नहीं मुझे दिख रहा है। हाँ मुझे कम दिखाई देता है, मुझे सभी जवान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आँखों में नमी थी, आँखों में नमी थी, विटामिन की कमी थी। रात भर जिससे बात किया पता चला सुबह तक ये उसकी मम्मी थी। जवानों को नहीं दिखता, वो बूढ़े देख लेते हैं। उम्र की ढाल पर रुककर ये थोड़ा ब्रेक लेते हैं। बहुत होशियार होते हैं कि मौका देखते ही पड़ोसे की तवे पे अपनी रोटी सेंक लेते हैं।